बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप एक नाम है सैयद साजिद के साथ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है, जैकोबियन डिटर्मिनेंट। जैकोबियन डिटर्मिनेंट में हम पार्शियल डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब हम पार्शियल डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं तो क्वेश्चन में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं और तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव में जो हम सैंपल यूज़ करते हैं उसे हम कर्ली से ज़ाहिर करते हैं, और जैकोबियन डिटर्मिनेंट को हम जे से ज़ाहिर करते हैं, यानी जे का डिटर्मिनेंट ये उसका फार्मूला है, इजिकल टू कर्ली वाई वन विद रिस्पेक्ट टू कर्ली एक्स वन, कर्ली वाई वन विद रिस्पेक्ट टू कर्ली एक्स टू, कर्ली वाई टू विद रिस्पेक्ट टू कर्ली एक्स वन, कर्ली वाई टू विद रिस्पेक्ट टू कर्ली एक्स टू। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में कितनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद हैं। y1 वन इज इक्वल टू थ्री एक्स वन की पावर 2 प्लस 2x की 2 पावर 2, y2 टू इज इक्वल टू फाइव एक्स वन प्लस वन। विद रिस्पेक्ट इस क्वेश्चन में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद हैं x1, x2। विद रिस्पेक्ट टू x1 का डेरिवेटिव लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x2 का डेरिवेटिव लेंगे। करली वाई वन ओवर करली एक्स वन इज इक्वल टू करली विद रिस्पेक्ट टू करली एक्स वन का डेरिवेटिव लेते हैं, थ्री एक्स वन की पावर टू प्लस टू एक्स की टू पावर टू, करली वाई वन ओवर करली एक्स वन इज इक्वल टू। यहाँ पे हम पावर रूल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक्स वन की पावर टू है तो पावर रूल का असूल होता है पावर को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स वन के कोफिशेंट से, यानी टू को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से, टू मल्टीप्लाई बाय थ्री एक्स वन, और पावर में से वन को लेस करते हैं टू माइनस वन। उसके बाद जितनी भी वैल्यू होती हैं वो कांस्टेंट होती हैं, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो ज़ीरो होती है, प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू, टू को थ्री से ज़र्ब देते हैं सिक्स, टू में से वन को लेस करेंगे तो एक्स आता है। ये हमने आंसर फाइंड किया है कर्ली वाई वन विद रिस्पेक्ट टू कर्ली एक्स वन का। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू का डेरिवेटिव लेते हैं, कर्ली वाई टू ओवर कर्ली एक्स टू इज इक्वल टू कर्ली विद रिस्पेक्ट टू कर्ली एक्स टू, थ्री एक्स वन की पावर टू प्लस टू एक्स की टू पावर टू, कर्ली वाई वन विद रिस्पेक्ट टू कर्ली एक्स टू इज इक्वल टू थ्री एक्स वन की पावर टू, ये वैल्यू कांस्टेंट है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो ज़ीरो होती है, ज़ीरो प्लस। यहाँ पे हम पावर रूल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक्स की टू की पावर टू है तो टू को एक्स टू की कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी टू को टू से ज़र्ब देंगे तो फोर आता है, पावर में से वन को लेस करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं एक्स की टू टू माइनस वन, कर्ली वाई वन ओवर कर्ली एक्स टू इज इक्वल टू फोर, पावर में से टू में से जब वन को लेस करते हैं तो एक्स की टू आता है। ये हमने आंसर फाइंड किया है कर्ली वाई वन ओवर कर्ली एक्स टू का। अब हम इक्वेशन नंबर टू की तरफ चलते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन का डेरिवेटिव लेंगे और विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू का डेरिवेटिव लेंगे, कर्ली वाई वन ओवर कर्ली एक्स वन इज इक्वल टू कर्ली विद रिस्पेक्ट टू कर्ली एक्स वन, फाइव एक्स वन प्लस वन, कर्ली वाई वन ओवर कर्ली एक्स वन इज इक्वल टू एक्स वन का कोफिशेंट क्या है फाइव, तो यहाँ पे फाइव आता है, वन हमारे पास क्या कांस्टेंट है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो ज़ीरो होती है, प्लस ज़ीरो। कर्ली वाई वन ओवर कर्ली एक्स वन का जो हमने आंसर फाइंड किया वो फाइव है, कर्ली वाई टू ओवर कर्ली एक्स टू इज इक्वल टू कर्ली विद रिस्पेक्ट टू कर्ली एक्स टू का डेरिवेटिव लेते हैं, फाइव एक्स वन प्लस का वन। अब देखें ये जो हमारे पास वैल्यू मौजूद है फाइव एक्स वन प्लस वन, अब हमने विद रिस्पेक्ट एक्स टू का डेरिवेटिव लेना है, यहाँ पे एक्स टू की वैल्यू मौजूद नहीं है, बकाया जितनी भी वैल्यू है वो ज़ीरो होंगी,
कर्ली वाई टू ओवर कर्ली एक्स टू इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमने आंसर फाइंड किए। जितने भी हमने आंसर फाइंड किए हैं जैकोबियन डिटर्मिनेंट में पुट कर देंगे। नाउ द पुटिंग द वैल्यू इन जैकोबियन डिटर्मिनेंट, जे का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू कर्ली वाई वन विद रिस्पेक्ट कर्ली एक्स वन का क्या आंसर फाइंड किया था, 6x1। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 6x1 डॉट कर्ली वाई टू विद रिस्पेक्ट टू कर्ली एक्स टू का क्या आंसर फाइंड किया था, 4x2। तो यहाँ पे 4x2 पुट कर देंगे। कर्ली वाई टू विद रिस्पेक्ट टू कर्ली एक्स वन का क्या आंसर फाइंड किया था, 5। तो यहाँ पे 5 पुट कर देंगे। कर्ली वाई टू विद रिस्पेक्ट टू कर्ली एक्स टू का क्या आंसर फाइंड किया था, 0। तो यहाँ पे 0 को पुट कर देते हैं। अब हम जे का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। जे का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 को 6x1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। 5 को 4x2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, जमा नफी नफी, तो माइनस का आता है 20x2। जे का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस के 20x2 में से जब हम 0 को लेस करते हैं तो माइनस का आता है 20x2 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर जे का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आता तो इसका मतलब ये होता है जो ऊपर वाली इक्वेशंस है वो इनडिपेंडेंट है, यानी फंक्शनली इनडिपेंडेंट। अगर जे का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाता है, जो ऊपर वाली इक्वेशन होती हैं वो फंक्शनली डिपेंडेंट होती हैं। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को आसानी से